Hello students, welcome you back on the very fourth video of the making of a scientist, which is the sixth lesson of your class 10th English literature supplementary book, which named The Footprints Without Feet. Students, here I'm Abhishek Tiwari is welcoming you all, and I'm presenting you the very next video. I'm presenting you the advanced video after the third. So students, आप सबका स्वागत है. मैं अभिषेक तिवारी अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ. और इस फोर्थ वीडियो में, जो कि प्रोबेबली लास्ट वीडियो हो सकता है, या हम कुछ यू नो लास्ट टॉपिक जो इसके हैं उसको हम लोग कवर करने चल रहे हैं. लेट अस सी what exactly the topic we have just to cover right here. Okay, so students, let us talk about, as we have studied about it in the last lecture up to here, you know, last in the last lecture till here, now till there, let's talk about the lecture from here. Okay. Okay, let's see what exactly happened here in this in his journey of advancing or experimenting on the butterflies. Okay, how his journey, or where his journey reached at last. As a high school junior, Richard Ebright, एक high school junior student होने के रूप नाते, Ebright continued his advanced experiments. Richard Ebright अपनी research को advanced experiments को advance करता रहा, आगे बढ़ाता रहा, on the monarch pupa. मोनार्क प्यूपा के ऊपर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करता रहा. ओके, दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. उस साल उसके इंटरनेशनल साइंस फेयर पे उसका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ था. एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसको एक और चांस मिला टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. और उसे आर्मी लेबोरेटरी में, जो उसके पहले हम लोगों ने देखा कि रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, उसे समर्स के दौरान फिर से वर्क करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला. इन हिज सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में, ही वेंट स्टेप फर्दर, वह एक कदम और आगे बढ़ा. ही ग्रीव सेल्फ फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, उसने मोनार्क के विंग से, उसके पंखों से उसने एक सेल ग्रीव किया, ग्रो किया इन अ कल्चर, एंड एक कल्चर में उसने इस तरह से एक विंग से एक सेल डेवलप किया, ग्रो किया. एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डिवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई, कि ये सेल ही डिवाइड होकर और डिवलप होकर नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्केल्स, विंग स्केल्स में, ओनली इफ़ देवर फेड द हारमोन. ना, उन कंडीशंस में जब उनकी जो हारमोन्स होती हैं फेड हो जाती हैं फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, मतलब जब गोल्ड स्पॉट्स से जो उनके हारमोन्स बनते हैं, जब वो हारमोन्स फेडअप हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, तो बटरफ्लाइज़ की जो स्केल्स हैं, विंग स्केल्स हैं, वहाँ से सेल्स जो है डिवाइड होते हैं और नए नए बटरफ्लाई विंग सेल में डिवलप हो जाते हैं. तो उसने ये रिसर्च करके दिखाया. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. That project, you know, won first place for zoology at the international fair. International fair में zoology section में उसको first place मिला उस research के लिए. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory. उसने उसके बाद जो है graduation के बाद उसने अपनी पूरी summers जो हैं वो army laboratory में काम करते हुए बिताया. And the laboratory of the US Department of Agriculture, और उसके बाद US Department of Agriculture में भी उसने वर्क करते हुए अपना समर्स वहाँ पे इन्वेस्ट किया. ओके, द फॉलोइंग समर, अगली गर्मी में, आफ्टर द फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, एक फ्रेशर मैन, एक फ्रेशमैन के रूप में स्टार्टिंग में ईयर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया. वहाँ से उसने क्या किया, Ebright वेंट बैक टू द लेबोरेटरी. वहाँ से वो फिर से लेबोरेटरी गया ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ना, कृषि डिपार्टमेंट के, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी में गया. एंड डिड मोर वर्क ऑन द हारमोन, और उसने हारमोन्स पे और ज़्यादा काम किया फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो बटरफ्लाइज के विंग्स में गोल्ड स्पॉट होते हैं वहाँ के हारमोन्स पे उसने और काम किया.
यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है एडवांस, मॉडर्न. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. उसके बाद वो एबल रहा कि वो हारमोन के केमिकल स्ट्रक्चर को डेवलप कर पाने में, उसको आइडेंटिफाई कर पाने में वो एबल रहा, वो सक्षम रहा उसके बाद. ओके, आफ्टर इट अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, एक साल या उससे आधे साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जर्नी जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ. उसको एक नया आइडिया मिला अपनी जो उसकी सेल लाइफ की थियोरी थी, उस नई थियोरी में कुछ और आइडियाज़ उसमें जोड़ने को मिले. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फ़ोटोज़. ये दिमाग में उसके तब आया जब वो एक्सरे फ़ोटोज़ को देख रहा था, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है हारमोन्स का, जब उसका वो एक्सरे फ़ोटोज़ देख रहा था तो उसे कुछ और आइडियाज़ ना सेल थियोरी के, सेल लाइफ, सेल जो उसकी सेल लाइफ था उसके थियोरी में, उसको नए आइडियाज़ जोड़ने को दिमाग में उसके स्ट्रक किया. ओके, व्हेन ही सॉ दोज फ़ोटोज़, जब उसने उन फ़ोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाया नहीं, यूरेका. ओके, वो खुशी के मारे, यूरेका एक वर्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं, एक एस्टोनिशिंग वर्ड होता है, यूरेका मीन्स ऐसे हैप्पी होते हुए. बेसिकली इस वर्ड का जो मतलब होता है अगर हम उसको देखें तो, यूरेका जो है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ऐसे जो वर्ड हुर्रा होता है, ठीक है, उसके अलावा जो है उसमें बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं, हुर्रा, अलास, ऐसे ही यूरेका भी एक वर्ड होता है ना, उसमें उसका मतलब होता है मिल गया, पा लिया. लोग खुशी नहीं कहते हैं, पा लिया मैंने, आई गॉट इट. तो यूरेका मीन्स गॉट इट. ओके, और इवन आई हैव गॉट इट ना, या जिससे होता है कि आई हैव गॉट इट, मैंने इसको पा लिया. बट ही बिलीव दैट, लेकिन वो विश्वास उसे था, अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स, कि उसकी फाइंडिंग से इंसेक्ट हारमोन्स के बारे में जो उसने खोज निकाली थी उससे, द फोटोज़ गेव हिम आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल. ठीक है, तो वो जो फ़ोटोज़ था, उस फोटोज जो उसने खोज निकाला, वो एक बायोलॉजिकल पज़ल का आंसर कहीं ना कहीं उसमें छिपा हुआ था जो उसने ढूंढ निकाला था. एक बायोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज थी, कॉम्प्लेक्सेस थे, उसका उसने एक आंसर खोज निकाला था. हाउ द सेल कैन, वो क्या था आंसर, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कैसे सेल जो है रीड कर सकता है द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उसकी डीएनए की ब्लू प्रिंट्स को सेल्स रीड कर सकता है. हाउ द सेल कैन रीड, ओके, द ब्लू प्रिंट्स ऑफ द डीएनए, डीएनए के ब्लू प्रिंट्स को सेल कैसे स्टडी कर सकता है. सो डीएनए इज़ द सबसिस्टेंस. आप साइंस स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है. सो इज़ द सबस्टेंस इन द न्यूक्लियस, ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस का सब्सटेंस होता है ऑफ अ सेल, एक सेल के न्यूक्लियस का, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, जो अनुवांशिकता को कंट्रोल करता है. ठीक है, मींस जो हेरिडिटिकली करेक्टर्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स होते हैं, वो डीएनए के माध्यम से ही, डीएनए के माध्यम से ही वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसमिट करता है. ओके, सो इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. ये जो उसने खोजा था उससे मतलब वो जो सॉरी डीएनए होता है, डीएनए डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, कि सेल का कौन सा फॉर्म है, क्या फंक्शन करता है, इसको डिटरमाइन करना, इसको निश्चित करना ना कौन करता है, डीएनए. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ कहते हैं, लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है. ओके, फॉर द मूविंग एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग. ठीक है, उसका एक कॉलेज रूममेट था जेम्स वॉन्ग, आर वॉन्ग, वर्कड ऑल द नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, वो दोनों लोग मिल करके पूरी रात ये लोग काम करते रहे, पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, प्लास्टिक मॉडल्स तैयार करते रहे मॉलिक्यूल्स का, टू शो हाउ इट कुड हैपन, कि कैसे ये हो सकता है, इसके फंक्शनिंग को दिखाने के लिए वो दोनों रात भर ये काम करते रहे. टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, दोनों ने मिलकर बाद में जो है पेपर लिखा, दैट एक्सप्लेन द थियोरी, जो इस थियोरी को एक्सप्लेन करता था उसके बारे में उन्होंने एक पेपर लिखा. ओके, ऑलराइट, सो
surprising no one who knew, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor. Surprising no one who knew him. जो ये सरप्राइजिंग था कि जो कोई भी उसको जो नहीं जानता था रिचर्ड एब्राइट को, रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएशन किया कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होती है हार्वर्ड अमेरिका की, वहाँ से उसने जो है हाईएस्ट ऑनर में, मतलब कि सर्वोच्च सम्मान के साथ उसने ग्रेजुएशन किया. सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1.510, ओके सिंपली सॉरी 1510, ओके सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट. ओके सो सेकेंड इन हिज क्लास, अपनी क्लास में सेकेंड था, 1510 लोगों में सेकेंड पोजीशन पे था वो पूरी क्लास में. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. उसके बाद एब्राइट जो है वो अभी उसकी जर्नी समाप्त नहीं हुई थी, फिर वो गया ग्रेजुएट होने के लिए, स्टूडेंट के रूप में रिसर्च करने के लिए गया कहाँ से, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से. देयर ही बिगैन यू नो डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थियरी. उसके बाद वहाँ जाकर उसने अपनी थियोरी को यू नो प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने लगा अपनी थियोरी के ऊपर. ओके आफ्टर इट इफ द थियोरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थियोरी करेक्ट प्रूव हो जाती ना, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो ये जीवन को, प्रोसेस ऑफ लाइफ जो जीवन की प्रक्रिया है उसको समझने में ये एक बड़ा स्टेप होता, एक बड़ा पहल या एक बड़ा जो है एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन प्रूव होता. ठीक है, इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर. अगर उसकी थ्योरी प्रूव हो जाती तो ज़रूर उससे जो है कुछ टाइप के कुछ आइडियाज़ मिलते रोकने में, कुछ टाइप के कैंसर और दूसरे डिजीज़ को रोकने में भी उससे मदद मिलती, क्योंकि वो शेल थियोरी पे ही काम कर रहा था. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सब कुछ संभव हो पाया केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से एब्राइट के. ये चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, कि जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको इट नेवर बी एक्सटिंग्यूज्ड, उसको कभी भी डिस्टिंग्यूज मत करिए, उसको कभी भी शांत मत करिए, बुझाइए नहीं. इट ऑलवेज बी फ्लेम्ड आउट, ये हमेशा जलती रहनी चाहिए, जिससे कि और तब तक जब तक कि आप अपनी हाईएस्ट पोजीशन को अचीव ना कर लें, जैसा कि एब्राइट ने किया. ठीक है, सो हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. जो उसका हाई स्कूल का रिसर्च था वो एक स्पोर्ट का पर्पस था, मतलब खेल खेल में उसने मोनार्क प्यूपास पे रिसर्च किया था. इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियोरी अबाउट सेल लाइफ, और जिसने बाद में चलकर उसकी जो सेल लाइफ की थियोरी करने पे उसको जो है प्रेरित किया, उसको इंस्पायर किया, सेल लाइफ की थ्योरी खोजने में उसको इंस्पायर किया. रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन यू नो इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. रिचर्ड एब्राइट जो था वो इंटरेस्टेड था साइंस में, अपनी पहली बार जब उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था तभी से वो इंटरेस्टेड था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. बट नॉट सो डीपली, इतना डीपली नहीं था कि ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि उसको और दूसरे इंटरेस्ट को फुलफिल करने का टाइम ही ना हो, इतना भी डीपली वो इंगेज नहीं था. एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर. ओके वो एक चैम्पियन डिबेटर भी बना, डिबेट करने में टॉप रैंक उसने हासिल की, एंड पब्लिक स्पीकर, और एक पब्लिक स्पीकर के रूप में भी उसने पोजीशन हासिल की. अ गुड कैनोइस्ट, कैनो एक पतली सी बोट होती है, उसको चलाने में एक अच्छा कैनोइस्ट भी प्रूव हुआ. एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और एक बहुत बेस्ट तरह का आउटडोर पर्सन के रूप में भी वो प्रूव हुआ. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट. ओके इसके अलावा जो है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर था, पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक, जो हर तरफ बिखरी हुई खूबसूरती है उसकी ना, वो एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर था. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट. ठीक है, वो ए क्लास का ए स्टूडेंट था, स्ट्रेट ए स्टूडेंट था वो एब्राइट. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उस समय आसान था. ही टर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग. उसने अपनी ढेर सारी एनर्जी को डिबेटिंग में इंस्टॉल यूज़ किया, एंड मॉडल
यूनाइटेड नेशंस क्लब्स वगैरह के कामों में डिबेट और पब्लिक स्पीकर के रूप में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेहरर, उसने किसी को पाया, एक व्यक्ति जो उसको एडमायर करता था, ये सोशल स्टडीज टीचर, मतलब जिसको वो एडमायर करता था वो उसके सोशल स्टडी के टीचर थे, एंड एडवाइज़र टू बोथ, और इसके अलावा एडवाइज़र भी थे बोथ क्लब्स के, ठीक है। तो जिसको उसने अपना एक एडमायर पाया, ठीक है, ही फाइंड समवन टू एडमायर, किसी को उसने अपने जीवन में एडमायर किया, वो थे रिचर्ड ए वेहरर, ओके, जो कि उसके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और उसके दोनों पहले जो इनफॉर्म क्लब्स थे उनके क्लब के एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन, वो एक परफेक्ट पर्सन थे फॉर मी देन, उस समय वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पर्सन थे। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरे माइंड को ओपन किया था नए आइडियाज़ को लेने के लिए। ये एक अच्छे एक महान व्यक्ति की निशानी होती है बच्चों, ओके, कि एक व्यक्ति जो महानता को हासिल कर लेता है, जो कुछ अचीव कर लेता है, तो वो पीछे मुड़ करके जिन्होंने उसको हेल्प किया है, जिन्होंने उसका सीढ़ी बनने का काम किया है, वो हर एक को लर्न याद रखता है, रिमेम्बर करता है, मेमोयर में रखता है, ठीक है। ये एक बड़ी बड़े लोगों की क्वालिटी होती है। पर हमारे यहाँ एक्चुअली होता क्या है, हम थोड़ा सा सटायर इसमें ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी चलन, इसके प्रेवलेंसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं तो टीचर्स का दोष, कुछ अचीव कर लेते हैं तो उनकी अकेले की मेहनत, पर ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक अच्छाई में, हर एक अचीवमेंट में कई लोगों का हाथ होता है, भले ही अचीवमेंट इंडिविजुअल क्यों ना हो, ओके। ऑलराइट, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा से वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करता था। मिस्टर वेहरर कहते थे कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करता था। What pleased me was, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता था, उसमें पसंद आता था, वो था here was this person who put in 3 or 4 hours, कि वो व्यक्ति 3 या 4 घंटे जो है at night doing debate research besides, ठीक है, वो 3 या 4 घंटे जो है रात में डिबेट करता था रिसर्च के ऊपर, बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विथ बटरफ्लाईज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, अपने और इंटरेस्ट बटरफ्लाई रिसर्च इन सब के साथ साथ वो अपने लाइफ में वो उस समय 3 से 4 घंटे डिबेट वगैरह में भी खर्च करता था, ओके। फर्दर, रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड एक कॉम्पिटिटिव था, बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक था, कॉम्पिटिशन करने वाला था। मिस्टर वेमर कंटिन्यू, उन्होंने आगे बताना शुरू किया उसके बारे में, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन कभी भी वो गलत सेंस में कॉम्पिटिटर नहीं था। कंपटीशन एक हेल्दी हैबिट के साथ करता था, ये नहीं कि दूसरों को चीट करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को आगे बढ़ा ले, ऐसा नहीं था वो। ये एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेन किया। रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन यू नो, उसने उन्होंने बताया, रिचर्ड वेहरर ने बताया कि जो ही वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक, ठीक है, केवल जीतने के वास्ते जीतना उसकी इंटरेस्ट में शामिल नहीं था। ये बहुत महान बात है बच्चों, केवल जीतने के लिए जीतना, ठीक है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जीतना, ये जीत नहीं होती है, ठीक है। और विनिंग टू गेट अ प्राइज़, या केवल एक प्राइज़ जीतने के लिए, ठीक है, प्राइज़ पाने के लिए जीतना, ये भी कोई जीत नहीं होती है। विनिंग इज़ जस्ट टू गेट द लाइफ स्किल्स, जीवन के नज़रिए को सीखना जीत होती है ना। जीवन में कुछ करने के लिए, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ सीखना, वो जीत होती है, ठीक है, जो कि एब्राइट ने भी किया। आप इस चीज़ को जान लीजिए, आप जब एग्ज़ाम्स देते हैं आपका एक ही मकसद होता है कि केवल एग्ज़ाम पास करना है, केवल पास होने के लिए, केवल एग्ज़ाम पढ़ना है केवल पास होने के लिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई केवल पास होने के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, दूसरों के काम आने वाला इंसान बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। केवल अपने लिए मार्क्स बटोरने के लिए पढ़ाई नहीं होती है, कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम समाज में, सोसाइटी को एक रिफ्लेक्शन बन के आएंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वो कैसे पढ़ें और कैसे मैंने चेंज किया, वो उनके अंदर चेंज डालूंगा। ये स्पिरिट के साथ चेंज ना, ये जीत की स्पिरिट होती है, जो कि रिचर्ड एब्राइट के अंदर था। रदर ही वॉज, उसके टीचर कहते हैं, रदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, ना वो जीतना चाहता था केवल इसलिए क्योंकि वो ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब, क्योंकि वो सबसे बेहतर जॉब करना चाहता था, वो समाज के लिए सबसे बेहतर काम करना चाहता था जो वह कर सकता था अपनी स्ट्रेंथ से,
वो समाज के लिए, वो करने के लिए जीतना चाहता था। फॉर द राइट रीज़न, सही कारण के लिए जीतना था। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे ज़्यादा वो बेस्ट बनना चाहता था, ठीक है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और यह एक इन्ग्रेडियंट था, ये एक सामग्री थी, इन्ग्रेडियंट मतलब सामग्री, ओके, कंटेंट्स, ये कंटेंट्स था इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये सारी जो क्वालिटीज जो हमने अभी जानी, ये वास्तव में एक क्वालिटी होती है, कंटेंट होता है सक्सेसफुल बनने की, साइंटिस्ट बनने की, ओके। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, ओके, पहली चीज़ कि आप एक फर्स्ट रेट माइंड के साथ शुरुआत कीजिए, एक खुले मन से शुरुआत कीजिए। ऐड क्यूरियोसिटी अपने काम में, दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, पहले एक खुले मन से शुरुआत कीजिए, दूसरी अपने काम में क्यूरियोसिटी को जोड़िए, उत्सुकता को जोड़िए, एंड मिक्स एक्साइटमेंट को जोड़िए, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और उसके साथ लास्ट में अपना विल जोड़िए जीतने के लिए, सही कॉज के लिए, सही रीज़न के लिए जीतने की इच्छा शक्ति जोड़िए, ठीक है। लास्ट में एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, ठीक है, उस समय जब वो जो बुक ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स थी, जिसने उसके लिए विज्ञान के दुनिया के रास्ते खोल दिए थे, उस समय उसके पास ये तीनों आइडियाज़ थे, ये तीनों चीज़ें थी, ये तीनों की थे ना। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और इसकी वजह से, इन तीनों क्वालिटीज़ की वजह से एब्राइट ने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसको खोया नहीं, उसको हमेशा वो मेंटेन किए रखा। दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, इज़ वेरी इंस्पायरिंग, आई मस्ट से दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट लेसन। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की सब नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसा एक्सपीरियंस लगा आप उसको कमेंट कीजिए, और दूसरों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरों को भी ये पढ़ने का मौका मिले। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप अपना कोर्स कम्प्लीट कीजिए, और कोर्स कम्प्लीशन के बाद सबमिशन भी करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।